जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड टेस्ट एट नॉटिंगम। पहला टेस्ट आराम से जो है जीत गए हैं। वैसे भी वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है इस टाइम, उसका कोई इंग्लैंड के साथ मुकाबला ही नहीं बनता। तो चलते हैं मैच की जानिब। टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने और बॉलिंग का फैसला किया। सनशाइनी डे था और ऐसी पिच पर बॉलिंग करना गलत फैसला था, जारी बात है। अगर टॉस आप जीत गए थे तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। नॉटिंगम ट्रेंट ब्रिज की बैटिंग विकेट है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, कोई भी सीम और स्विंग नहीं होता वहाँ पे। तो 416 बनाया इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में, टॉस हार के हालांकि। तो चलते हैं इंग्लैंड की इनिंग्स की जानिब। 88 ओवरों में जो पहले चार ओवर हैं उसमें 50 रन कर लिया था इंग्लैंड ने। और जैक क्रॉली पहली तीसरी बॉल पर आउट हो गए जीरो बना के। बेन डकेट ने 59 बॉलों में 71 रन बनाए, जिन्होंने दूसरे ओवर में चार बॉलों पर चार चौके भी लगाए, बहुत ज़बरदस्त खेले, जिनमें 14 चौके शामिल हैं। 59 बॉल्स खेले, 71 रन बनाए, 120 का स्ट्राइक रेट टेस्ट इनिंग्स में। ओली पोप ने शुरू में बहुत तेज़ खेला लेकिन फिर स्लो डाउन हुए विकेट्स की वजह से। 167 बॉलों में 121 रन बनाए, छठा 100 था इनका और तीसरा इंग्लैंड में था। एक छक्का और 15 चौके शामिल हैं। जॉय रूट 29 बॉलों में 14, अनदर फेलियर, नहीं खेल पाए सही। हैरी ब्रूक भी सिर्फ 36। बेन स्टोक्स काफ़ी इनिंग्स के बाद, काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद जो है 50 प्लस स्कोर किया, 69 किया इन्होंने 104 बॉलों पे, कैलकुलेटेड इनिंग्स दी है। और जेमी स्मिथ जो डेब्यू किया था पिछले मैच में, उन्होंने 36 रन बनाए 54 बॉलों पे। क्रिस वोक्स ने बड़े इंपॉर्टेंट 37 रन बनाए, बहुत अहम थे, नहीं तो 400 प्लस ना होता। गस एटकिंसन ने 2, मार्क वुड ने 13 और शुएब बशीर ने 5 स्कोर बनाए और यूं 416 पे ऑल आउट हुए। 4.7 का स्ट्राइक रेट, पहले ही दिन 400 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट बताते चलें आपको, अलजारी जोसेफ ने टॉप विकेट टेकर हैं, 3 आउट किए हैं। जेडन सील्स ने 2 आउट किए हैं, होल्डर को कोई विकेट नहीं मिला। शमार जोसेफ ने 1 आउट किया, एक उनका स्लिप पे अनफॉर्चुनेट था, कैच ड्रॉप हुआ, जेसन होल्डर से ड्रॉप हुआ जिसने खुद भी विकेट नहीं ली और शमार जोसेफ को भी नहीं लेने दी। केवन सिंक्लेयर स्पिनर ऑफ स्पिनर ने 2 आउट किए, ब्रैथवाइट 0, केवम होज ने 2 आउट किए। तो पार्टनरशिप्स की बात की जाए, एक ही 100 प्लस की पार्टनरशिप 105 की बेन डकेट और ओली पोप की, उसके बाद 80 की है ओली पोप और बेन स्टोक्स, 61 की स्टोक्स और जेमी स्मिथ की है। तो ये 416 बनाया है। ग्रिपिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट सीज इंग्लैंड वॉक बैक द हैप्पियर साइड देम स्कोरिंग 400 सिंगल डे अंडर द बेस्ट बॉल रिजीम। तो 400 प्लस करना, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ को अंडर 200 ही आउट कर लेंगे, अनलेस कोई अच्छी इनिंग्स हो जाए या सनी डे हो। उम्मीद करता हूँ कि जो वेस्ट इंडीज़ है वहाँ से कोई अच्छी इनिंग्स देखने को मिल जाए। यहाँ के जो है केवन सिंक्लेयर जो हैं, गुडाकेश मोती की जगह खेले हैं, बाकी टीम वही है। क्रेग ब्रैथवाइट से बड़ी उम्मीदें होंगी, लुइस से, मैकेंजी, एथनेज, केवन भोज और जेसन होल्डर तक भी, जोशुआ डिसिल्वा तक बैटिंग है इनकी 7वें नंबर तक। तो देखना होगा कौन स्टेप अप करता है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।